हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लघुत्तम समापवर्त यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आखिर क्या होता है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम अपवर्त और अपवर्तक को पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि अपवर्त क्या होता है, लेकिन ये है लघुत्तम समापवर्त। जैसा कि इसके इंग्लिश नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन मीन्स जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो या समान हो, और मल्टीपल मीन्स अपवर्त, इसको शॉर्ट में LCM भी बोलते हैं। बच्चों, यहाँ हम दो संख्याएं लिख लेते हैं, एक दो और दूसरा तीन। बच्चों, यहाँ हम दो के कुछ अपवर्त लिखेंगे, उसके बाद तीन के कुछ अपवर्त लिखेंगे। तो दो के अपवर्त लिख लेते हैं, बस इतने काफ़ी हैं। बच्चों, अब हम यहाँ पे तीन के अपवर्त लिखेंगे, ठीक, इतने ही काफ़ी हैं। बच्चों, यहाँ पे हमने दो के कुछ अपवर्त लिख लिए हैं और कुछ अपवर्त तीन के लिख लिए हैं। अब बच्चों, हमें इनमें से ऐसे अपवर्त देखने हैं जो दोनों में ही कॉमन हो, यानी कि दोनों के ही अपवर्त हों। तो दो यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, तीन यहाँ है पर ऊपर नहीं है, इस तरीके से हमें देखना है जो दोनों में हो। तो बच्चों, पहला अपवर्त हमें मिल रहा है ये छः, छः दो का भी अपवर्त है और तीन का भी अपवर्त है, इस तरीके से। बच्चों, फिर इसके बाद है ये बारह, बारह दो और तीन दोनों का अपवर्त है। बारह के बाद में है बच्चों अठारह, अठारह बच्चों दो और तीन दोनों का अपवर्त है। इसी तरीके से बच्चों चौबीस, चौबीस भी दोनों में ही कॉमन है। तो बच्चों, यहाँ पे हमको दो और तीन के अपवर्त मिले हैं, छः, बारह, अठारह और चौबीस, लेकिन लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल में लघुत्तम यानी कि लीस्ट जो शब्द है, इसके अनुसार जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं या समापवर्त हैं उनमें सबसे छोटा ही हमारा एलसीएम होगा। तो सबसे छोटा बच्चों कौन है? छः। तो यानी कि दो और तीन का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा बच्चों? छः। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यही अगर बच्चों हमको एक और संख्या चार दे रखी होती और हमसे दो, तीन और चार का लघुत्तम समापवर्त पूछा होता तो चार के भी अपवर्त लिख लेते। तो चार के अपवर्त होंगे, तो ये चार के हमने अपवर्त लिख लिए हैं। ठीक बच्चों, अब क्योंकि दो, तीन और चार का हमें एलसीएम निकालना है या लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो हमें दो, तीन और चार के समान अपवर्त देखने होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे बारह ऊपर इन दोनों का भी कॉमन मल्टीपल है या अपवर्त है और ये चार का भी अपवर्त है। इसके बाद में देखेंगे बच्चों चौबीस ऊपर दो और तीन का भी अपवर्त है और यहाँ चार का भी अपवर्त है। इसके बाद में अगला अपवर्त ये छत्तीस होता। ऐसे आगे बहुत सारे हमको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, कॉमन समापवर्त हमको मिलते जाएंगे, लेकिन हमको सबसे छोटा समापवर्त चाहिए। तो सबसे छोटा दो, तीन और चार में जो सबसे छोटा अपवर्त है वो है बारह। तो दो, तीन और चार का एलसीएम क्या होगा बच्चों? बारह। ऐसे कितनी भी संख्याएं दे रखी हों बच्चों और हमसे लघुत्तम समापवर्त निकालने को बोला जाए, तो हमें उन सभी दी गई संख्याओं का जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मिल जाए, यानी कि सबसे पहले समान अपवर्त मिल जाए, वही उन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आपको होमवर्क देते हैं। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको
चार और सात का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, फिर तीन और पाँच का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, फिर उसके बाद बच्चों दो तीन और छः का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।